आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बता रहा हूँ। आपको पता है एग्ज़ाम का समय आ चुका है, और एग्ज़ाम के समय के साथ साथ कोरोना का भी समय आ चुका है, ये तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही चुकी होगी ओमिक्रॉन वायरस की। और हमने सोचा है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ क्यों ना निकाली जाए, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, बहुत ही रोमांटिक एंड बहुत अच्छी होगी। जिसमें से चैप्टर हम ले रहे हैं न्यूक्लियस फिजिक्स। न्यूक्लियस फिजिक्स को बोलते हैं नाभिकी भौतिकी। नाभिकी भौतिकी, नाभिकी भौतिकी केवल मैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए। तो नंबर पहले पर आज, तो फिर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या हमने इंपॉर्टेंट ढूंढ के लाया है। नाभिकीय अभिक्रिया का क्यू मान ज्ञात कीजिए। नाभिकीय अभिक्रिया का क्यू मान ज्ञात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिकीय अभिक्रिया का क्यू मान, आप सोच लीजिए, अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है तो माना कि आपने क्वेश्चन में पेपर पाया है, पेपर में क्वेश्चन पाया है। नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं इंपॉर्टेंट हम बता रहा हूँ, नाभिकीय अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया की प्रकृति को समझाइए। नाभिकीय अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया की प्रकृति को समझाइए, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, और क्वेश्चन नंबर तीसरा है गाइगर मूलक गणक क्या है, समझाइए। गाइगर मूलक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP, एक गाइगर मूलक, और जो मैंने पहले बताया था क्यू वैल्यू वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर, जैसे गाइगर मूलक गणक क्या है समझाइए, क्वेश्चन नंबर, और चौथा है टिप्पणी लिखिए। किसके ऊपर टिप्पणी लिखना है आपको, नाभिकीय मॉडल के ऊपर और द्रव्यमान मॉडल के ऊपर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाभिकीय टिप्पणी लिखना है नाभिकीय मॉडल के ऊपर और द्रव्यमान मॉडल के ऊपर, भी एक IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, पाँचवा क्वेश्चन ये है, रेडियो एकटूकता से आप क्या समझते हो, रेडियो एकटूकता से आप क्या समझते हो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूनिट नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियस फिजिक्स के हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। इसी प्रकार आपको हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को